अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम एंग्लोर रेबिक हाइट्स कैंडर स्कूल. द क्लास इज 7 एंड द सब्जेक्ट इज मैथ. यूनिट नंबर 4, द टॉपिक इज एक्सपोनेंट्स. एक्सरसाइज 4.1, व्हाट इज एक्सपोनेंट. द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इंडिकेट अस हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ. कि एक्सपोनेंट क्या है, कि कोई नंबर जो है हमें यह बताता है एक्सपोनेंट, कि कोई नंबर जो है वो खुद जो है अपने साथ कितनी दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई हुआ. ये ईजीएस्ट फॉर्म बताती है. जैसे अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल है 7 मल्टीप्लाई विद 7 और 7 है आपके पास, ये 3 times 7 है. तो इसको ईजीएस्ट फॉर्म में यानी इन एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कि 7 पावर आपके पास, ये जो पावर जिसको हम बोलते हैं वही आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट है. इट्स मीन कि 7 जो है वो 3 times इटसेल्फ मल्टीप्लाई हुआ है. इसी तरह आपके पास -3 मल्टीप्लाई विद -3. अब आप देखिए -3 और -3 कितनी टाइम्स है पावर, इसकी एक्सपोनेंट 1 है, इसकी एक्सपोनेंट जो है वो 1 है. कितनी टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, ये हुआ है 2 times, तो ये इसकी एक्सपोनेंट आ जाएगी 2. अब आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक बेस. व्हाट इज़ बेस. अब आपके पास जो नंबर, जब हम किसी भी नंबर को आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास जो इसकी पावर होती है वो तो एक्सपोनेंट होती है, ठीक है. लेकिन जो आपके पास जिस नंबर, जो नंबर खुद के साथ मल्टीप्लाई होता है वो कहलाता है बेस, ठीक है. तो इट इज़ 7 जो है इट इज़ कॉल्ड बेस एंड 3 इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास ए एक्सपोनेंट -2, ए यानी हम इसको पढ़ते हैं ए पावर -2, तो आपके पास एक्सपोनेंट क्या होगा, -2 होगा, और जो आपके पास बेस है वो क्या होगी, ए होगी, ठीक है. तो ये था आपके पास एक्सपोनेंट एंड बेस. नेक्स्ट एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज़ इसी मेथड से हो जाएंगे. उसमें आपने जैसे एक्सपोनेंट एंड आपने बेस को इंडिकेट करना है. नेक्स्ट एक्स इसका क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव डैट. अब आपके पास स्टेटमेंट गिवन है कि 5 पावर यानी 5 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल 125, के 5 को जब 3 times मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 125 आना चाहिए. तो आपने ये प्रूव करना है. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेकर आनी है राइट हैंड साइड के. आपके पास सोल्यूशन है 5 पावर 3 इज इक्वल 125. 5 पावर 3 यानी 5 एक्सपोनेंट 3, इट्स मीन के 5 को 3 times आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 जो है वो 3 times मल्टीप्लाई विद इट्सेल्फ, ठीक है. तो अब आप देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, ये थर्ड 5 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा. फिर 25 मल्टीप्लाई विद 5, तो आपके पास क्या आएगा, 125, जो कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई. तो ये आपके पास प्रूव्ड हो गया. सिमिलरली पार्ट 2 है. अब इसमें क्या है, डिफरेंस है माइनस का. बेस में -5 है, -3 है, और एक्सपोनेंट में आपके पास 5 है, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है -243. अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या करना है कि -3 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 5, तो आपने क्या करना है, इट्स मीन कि -3 को 5 times मल्टीप्लाई करना है विद इट्सेल्फ, और आपके पास राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी. अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिफ्थ 1 एज इट इज़ रहेगा. तो आपके पास 3 3 जा 9, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, और फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 एंड -3 एज इट इज़. 9 9 जा 81, प्लस का साइन आ जाएगा आपके पास, और -3 एज इट इज़. अब आपने 81 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है माइनस, ये देखें एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाता है, तो आपके पास 81 3 जा 3 1 जा 3 एंड 8 3 जा 24, तो 243 विद माइनस आपके पास ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके पास ये प्रूव्ड हो जाएगी, ठीक है. इसी तरह के सिमिलर इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम इसी पैटर्न पे हो जाएंगे आपके पास, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस रैशनल नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट. अब यहाँ पर आपके क्या है कि आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, 121, ठीक है. इसके लिए आपने इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करना है. सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या इनका जो है, इनकी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास वेरीफाइड है या नहीं. तो आप सबसे पहले 121 आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 जा 11 एंड आपके पास ये भी आ जाएगा 11 1 जा 11 11
इवंजा 11 आ जाएगा। तो 11 जो है कितनी टाइम्स आ गया, 11 मल्टीप्लाई विद 11, 11 जो है वो 2 टाइम्स आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास है इसी तरह पार्ट 4 माइनस 132। अब आप यहाँ पर देखें माइनस है तो 32 का हम लोगों ने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2। तो 2 जो है वो 5 टाइम्स आप लिखेंगे। अब विद आपके पास माइनस है तो आप माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो आपने माइनस 1/2 को 5 टाइम्स लिखना है। एंड देन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो आपके पास एक्सपोनेंट 5 आ गई। बट ये जो माइनस है ये 7 आपके चलेगा माइनस 1/2। अब देखिए माइनस 1/2 कितने टाइम्स आ रहा है, 5, तो इसलिए ब्रैकेट डालकर आपने माइनस 1/2 होल पावर 5 यानी विद एक्सपोनेंट 5। तो ये था आपके पास कि एक्सप्रेस रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट, के एक्सपोनेंट की हेल्प से आप किस तरीके से एक रैशनल नंबर को पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। थैंक यू।